there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आपको बताऊंगा आप किस तरह से 360 किक कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा। अगर आप बिगिनर हैं, आपसे बिल्कुल नहीं आती किक, तो बहुत ही इजी टेक्निक्स है जो आप अप्लाई करोगे तो बहुत सिंपल तरीके से सीख सकते हो। तो मैं हूं केशव पवार, मार्शल आर्ट और जिमनास्टिक ट्रेनर। अगर चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं 360 किक करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। तो बेसिकली आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। तो नॉर्मल आपकी स्ट्रेचिंग है तो आप 360 किक कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं स्ट्रेचिंग आपकी कंप्लीट है तो हमारी सबसे पहले तो एक राउंड हाउस किक आनी चाहिए, जिसको बेसिक किक भी बोलते हैं। राउंड हाउस किक कैसे चलाते हैं एक बार देख लेते हैं। इधर से देखते हैं, सिंपल बेसिक एंड किक, इतने किक आपकी आनी चाहिए राउंड हाउस, और इसको हमें पूरा चलाना होता है। एक बार देखते हैं किस टाइप से पोजिशन किक। तो ये किक की आपको प्रैक्टिस करनी है 5 to 10 टाइम, मतलब इतने प्रैक्टिस करनी है कि आपको समझ में आ जाए कि हमें किक कैसे चलानी है। तो ये पहला स्टेप एक बार देख लेते हैं फिर से, सेम पोजिशन एंड किक। तो इतनी किक आपकी फर्स्ट स्टेप में आनी चाहिए। अगर ये किक आपकी कंप्लीट हो चुकी है तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सिंपल लेफ्ट लेग को आगे रखना है और राइट को पीछे रखना है, और हमें टर्न लेना है यहाँ से 1 and 2, सिर्फ इतना टर्न लेना है। एक बार फिर से देख लेते हैं पोजिशन 1 2, सिर्फ इतना टर्न। इतना आपका टर्न कंप्लीट हो चुका है तो अब इसको थोड़ा सा स्पीड से बनाना है, देखते हैं किस टाइप से। सेम पोजिशन या तो इतनी स्पीड से हमें लेना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सेम पोजिशन या तो इतना आपका टर्न हो चुका है तो इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है और इसमें थोड़ा जंप लेने की ट्राई करना है, देखते हैं किस टाइप से। पोजिशन राउंड लाइक दिस, इस टाइप से हमें जंप लेना है। एक बार फिर से देखते हैं, ये जो लैग हमारी आगे होती है उसको हमें जंप लेना होता है। एक बार थोड़ा स्लो में करके दिखाता हूँ राउंड, और ये जो किक हमारी थी ये पीछे आनी थी तो इसको हमें थोड़ा उछाल करके लेकर के आना है, यहाँ इतना लेकर के आना है उठा करके, फिर नीचे रखना है। एक बार देखते हैं पूरा राउंड, सेम पोजिशन या इसको जंप लेते हुए आना है और इस किक को फ्री छोड़ना है। एक बार जैसे देख लेते हैं, सेम कंडीशन जो आपको पहले बताया था, लेफ्ट आगे राइट पीछे पोजिशन, और राउंड लेना है जो आपको पहले राउंड बताया था। अब थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है, इसको स्पीड से लेकर के आना है लाइक दिस या इतना राउंड लेना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, सेम पोजिशन बॉडी या इतना राउंड आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपकी 360 किक प्रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी। तो बस मेन क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको सिर्फ फील करना है। जितना समझ के आप करोगे उतना आपका टाइम बचेगा, वरना अगर समझ के नहीं करोगे तो टाइम वेस्ट होना ही होना है। आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखी स्किप की फिर दूसरी वीडियो पे चले आते हैं, यार इसमें समझ नहीं आ रहा, दूसरे वीडियो देखते हैं। तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, किसी की भी वीडियो एक बार पकड़ो, शुरू हो जाओ, देखो पूरा फोकस करके करोगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखोगे, चाहे वो मेरी वीडियो सीख रहे हो या किसी और की वीडियो सीख रहे हो। तो चलिए देखते हैं वंस मोर, अब इतनी किक आपकी कंप्लीट हो चुकी है यानी कि इतना राउंड आपका आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है देख लेते हैं। सेम कंडीशन वही राउंड, इस किक को हमें पूरा उठाना है और देन ये जब हमने राउंड किक चलाई थी इसको ऐड करना है, इसमें किस टाइप से ऐड करना है एक बार देख लेते हैं। सेम पोजिशन राउंड, इसको उठाना है एंड देन किक, इतना हिट करना है बहुत ईजी तरीके से। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको स्टार्टिंग में बेसिक स्टेप से चलना है, एडवांस लेवल तक नहीं पहुंचना है। शुरू में बेसिक जो आपकी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको कंप्लीट करो तभी आप एडवांस में पहुंचोगे, डायरेक्टली एडवांस में मत जाना। तो फिर से देख लेते हैं, सेम राउंड जंप एंड किक। अभी आप किक देख रहे हो यहाँ नीचे चल रही है तो नीचे चलाने की कोशिश करो, तो इससे आपका जो मोशन है वो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी बॉडी जो राउंड हो रही है वो किस टाइप से होनी है और जो किक हिट हो रही है वो किस टाइप से हिट हो रही है। तो इसी को थोड़ी और प्रैक्टिस से घुमाना है, मतलब पूरी बॉडी को खोल के रखना है, हेजिटेशन तो बिल्कुल होना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं बॉडी को अकड़ा करके घूमते हैं और फिर किक नहीं चल पाती, खुल के रखना है बॉडी को, मस्त तरीके से चलाना है। फिर से देख लेते हैं, सेम कंडीशन इसको बिल्कुल फ्री जंप एंड किक, इतना हिट करना है। इतनी आपकी किक आ रही है तो यानी कि आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। इतनी किक प्रॉपर होने के बाद आपकी जो 360 किक है बहुत फाड़ू आने वाली है, बस लगे रहना, प्रैक्टिस करते रहना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं वैसे भी इंस्टाग्राम पर आजकल लाइव रह रहा हूँ तो आप आ सकते हो इंस्टाग्राम पे, केशव फाइटर करके इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, और फेसबुक पर भी है, देखना मत, ठीक है। तो जाकर केशव फाइटर करके मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है तो जाकर फॉलो कर सकते हो। फिलहाल इंस्टाग्राम पे मैं आजकल 24 घंटे बैठा रहता हूँ,
इंस्टाग्राम पर अगर कुछ आप मैसेज करते हो, कुछ पूछना चाह रहे हो मेरे बारे में या कुछ मार्शल आर्ट और जिमनास्टिक्स के बारे में कुछ चीज़ पता करना चाह रहे हो तो वहाँ पर मुझसे मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो, फॉलो कर लेना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइम में सेम वही है, अब हमने जितना प्रैक्टिस कर लिया इसको थोड़ा और इम्प्रूव करना है। मेन डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव होता जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है और देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड लेकर के आनी है, ठीक है। लाइक दिस सेम किक एंड हिट, इतने हिट आप कर पा रहे हो तो बढ़ते हो थोड़ा और नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब इसमें नेक्स्ट टाइप में क्या करना है, अभी हमने सेम राउंड लिया था, डिपेंड करता है लेफ्ट किक पे। इसको जितना ऊपर उठाओगे आप ये किक उतनी ऊपर जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं, इसको उठाने की कोशिश करना है जो लेग आगे है, ठीक है। लाइक या आप देख रहे हो ये किक ऊपर उठ रही है तो मेरी किक खुद ब खुद अच्छी आ रही है। और जब हम राउंड लेते हैं यहाँ से तो बॉडी को हमें ऊपर की तरफ खींचना होता है, यहाँ से ये जब हम इसको उठाएंगे तो हमारी किक खुद ब खुद ऊपर जाएगी और किक जो हमारी प्रॉपर और ऊपर की तरफ लगती है। एक बार फिर से देखते हैं, सेम पोजिशन एंड किक ये। अब आपने देखा जब मैंने बॉडी ऊपर की तरफ खींची तो किक ऊपर गई लेकिन मेरी बॉडी क्या डिसबैलेंस हो चुकी है। तो आपकी स्टार्टिंग में डिसबैलेंस हो सकती है तो डरना बिल्कुल नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना, करते रहना है प्रैक्टिस। तो अब इतनी आपकी कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से चलाओगे एक बार में जंप लेने की कोशिश करोगे थोड़ी बड़ी डिसबैलेंस होगी लेकिन प्रैक्टिस के बाद नहीं होगी। एक बार फिर से देखते हैं, सेम कंडीशन एंड राउंड इतने किक आपके 360 किक कंप्लीट हो जाएगी। बट क्या प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड वंस मोर फिर से प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है, आपको सिर्फ वीडियो से समझना है, टेक्निक्स यूज़ करनी है और प्रैक्टिस करनी है। वीडियो स्टार्ट करो, जितने भी आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखते हो ना वो सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं तुम्हारी। अब आप एक दिन एक घंटे में वीडियो देखी थोड़ी प्रैक्टिस करी अगले दिन कमेंट करते तो सर नहीं आ रहा, एक दिन में कुछ नहीं होता, ठीक है। कुछ भी चीज़ आप सीख रहे हो तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है 360 किक सीख रहे हो तो टाइम तो देना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, इन्वेस्ट हो रहा क्योंकि आप किसी भी टैलेंट में अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो लाइफ टाइम के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला होता है। तो ये थी 360 किक, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, सेम वही कंडीशन राउंड किक। तो इतनी किक आप यूज़ करोगे तो 360 किक प्रॉपर चलती है। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, हमारे जो हैंड्स होते हैं उसको पूरा लेना होता है, ठीक है। यहाँ से पूरा घूमना होता है हैंड्स, यहाँ हैंड्स को जितना आप अच्छे तरीके से घुमाओगे आपकी 360 की उतनी प्रॉपर और क्लीन चलेगी। फिर से देख लेते हैं, तो ये थी हमारी 360 किक। आप इसको चाहे कितनी भी हाइट में चला सकते हैं, फिलहाल तो सामने वाले के फेस तक चल रही है तो आप इसको सेल्फ डिफेंस में यूज़ कर सकते हैं। बट क्या कंडीशंस अलग अलग होती हैं सेल्फ डिफेंस में यूज़ करने के लिए। अगर आप कहो तो मैं एक वीडियो और बना सकता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है रियल फाइट में, स्ट्रीट फाइट में। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑस।